अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मास्टर चैनल पे आपको खुश आमदेद कहते हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे, हमने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो उस खाने का हम रिव्यू शुरू करते हैं। जी तो आपने आज ऑर्डर किया है गोगा लाहौरी रेस्टोरेंट जो कि अल जद्दाफ दुबई में मौजूद है। उससे पहली बार हमने इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हमने अब तक देखे हैं पाकिस्तानी डिसअपॉइंट ही करते हैं, तो आज इसका भी ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। हमने जो टिपिकल पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो ऑर्डर की हैं, जिसमें मटन कढ़ाई ही है, लाहौरी मुर्ग चने हैं, लाहौर में एक बहुत ही मशहूर मुर्ग चने का फ्रेंचाइज है गोगा नकीबिया, जिसके क्योंकि हम लाहौर से हैं तो हमने बहुत बार हमारा फेवरेट नाश्ता होता था, तो देखते हैं कि ये कैसे हैं। और चिकन हलीम जो कि देखने में अच्छी लग रही है, वैसे कि लाहौर में जो चिकन हलीम मिलती है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसके साथ उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री रायता और सलाद भेजा है, साथ हमने तंदूरी पराठे ऑर्डर किए हैं और इसके अलावा हमने कुलचे ऑर्डर किए, क्योंकि लाहौर में जो नाश्ता जो टिपिकल बेस नाश्ता है वो चने और कुलचे होते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुलचे के साथ जो लाहौरी चने हैं वो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, जी तकरीबन अच्छा ही है, लेकिन अगर आप इसको वो लाहौरी चनों के साथ कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये उसके भी क्लोज भी हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी ठीक टेस्ट है। जी अब हम जो हमारी चिकन हलीम है उसको टेस्ट करते हैं। इसमें जी चिकन हलीम का टेस्ट भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन यह है कि पोर्शन अच्छा है और उसमें चिकन जो है उसके चंक्स अच्छे डाले गए हैं, तो प्राइस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि बेहतर बेहतर है। और अब हम मटन कढ़ाई जो है उसको टेस्ट करते हैं। जी ये लाहौरी स्टाइल मटन कढ़ाई बनाई गई है, जिसकी जो बेस है ग्रेवी की वो दही और टमाटर है, थोड़ी सी स्पाइसी है, लेकिन मटन कढ़ाई मुझे अच्छी लगी है बाकी दोनों डिशों से। इसके साथ रायता आया है जो कि काफ़ी फ्रेश है और अच्छा टेस्ट है, और दही जो उसमें काफ़ी थिक रायता दिया गया। नॉर्मली क्या होता है कि रायते में रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो रायता नहीं रहता है, लेकिन ये काफ़ी थिक है। और बाकी दोनों ने जो नॉर्मल सलाद जो रेस्टोरेंट में यहाँ दुबई में मिलता है वही दिया है। तो ऑल इन ऑल अगर इस खाने को हमें 10 में से मार्क्स देने होंगे, मैं कहूँगा 6.5 मार्क्स बनेंगे इस खाने के। जी तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ऑनेस्ट रिव्यू गोगा लाहौरी रेस्टोरेंट जो कि अल जद्दाफ दुबई में मौजूद है का पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।